डिजिटल सिग्नेचर इज अ टेक्निक टू ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। देखिए, जब किसी सेंडर ने रिसीवर को कोई मैसेज भेजना होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ये होती है कि रिसीवर को वेरीफाई करना होता है कि सेंडर कौन है, ठीक है। उसको दूसरे इसको इस बात की भी चिंता होती है कि सेंडर ने कोई जो मैसेज भेजा था क्या उसको वही मैसेज मिला है, उसके अंदर बीच में कोई चेंज तो नहीं हुए, किसी ने उस मैसेज को करप्ट तो नहीं कर दिया। तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर सेंडर मना कर दे कि मैसेज उसने नहीं भेजा तो वो प्रूफ क्या दिखाएगा। तो डिजिटल सिग्नेचर इन तीनों चीज़ों की गारंटी लेता है। तो डिजिटल सिग्नेचर में जो सेंडर है वो रिसीवर को ऑथेंटिकेट कर सकता है। दूसरा, डिजिटल सिग्नेचर गारंटी लेता है कि सेंडर ने जो मैसेज भेजा था वही मैसेज हमें रिसीव हुआ है। तीसरा, सेंडर रेपुडिएट नहीं कर सकता, इट कैन नॉट रेपुडिएट, इट मीन्स वो मना नहीं कर सकता कि उसने मैसेज नहीं भेजा, क्योंकि रिसीवर के पास इस बात का प्रूफ है कि मैसेज उसी ने भेजा है। तो दिस इज डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर की एप्लीकेशन क्या है? तो डिजिटल सिग्नेचर जनरली काम आता है बिजनेस पर्पज के लिए या फिर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल, कोई ऑर्डर देता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इंटरनेट या नेटवर्किंग के थ्रू, तो जो ऑर्डर देने वाला है वो मना नहीं कर सकता कि उसने ऑर्डर नहीं दिया, और दूसरा जो रिसीवर है वो उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है कि ऑर्डर किसने दिया है। दूसरा, जैसे हम ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं, दो बिजनेस पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट डील कोई डील साइन करते हैं, तो वहाँ भी डिजिटल सिग्नेचर काम आता है। ऑनलाइन पेमेंट में भी डिजिटल सिग्नेचर का बहुत यूज है। हम कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें एक प्रूफ रखना पड़ता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, या कोई गवर्नमेंट की कोई ट्रांजेक्शन है, गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करती है या कोई गवर्नमेंट कोई इन्फॉर्मेशन देती है, तो वहाँ भी डिजिटल सिग्नेचर की एक एप्लीकेशन है। डिजिटल सिग्नेचर के फीचर्स क्या क्या हुए? तो जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि डिजिटल सिग्नेचर के अंदर ऑथेंटिसिटी होती है, मीन्स कि जो रिसीवर है वो ऑथेंटिकेट कर सकता है सेंडर को कि मैसेज किसने भेजा है, वो पहचान सकता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। इट प्रोवाइड्स इंटीग्रिटी, इट मीन्स कि सेंडर ने जो मैसेज भेजा है रिसीवर को वही मैसेज मिलेगा, यानी कि उसके अंदर रास्ते में, बीच में, नेटवर्किंग के अंदर या इंटरनेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं किए गए। थर्ड एंड नॉन रेपुटेशन, मीन्स जो सेंडर है वो मना नहीं कर सकता, मुकर नहीं सकता कि मैसेज उसने नहीं भेजा। डिजिटल सिग्नेचर को एज ए लीगल प्रूफ हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है। तो तीन फीचर हैं डिजिटल सिग्नेचर के, ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड नॉन रेपुटेशन। नाउ, डिजिटल सिग्नेचर यूज करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर के लिए हमें एक हैशिंग एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ती है। हैशिंग एल्गोरिथम क्या होती है कि जो मैसेज एक बार हैशिंग एल्गोरिथम से पास हो जाता है तो एक हैश कोड में कन्वर्ट हो जाता है, हैश कोड। और एक हैश कोड एक ऐसा कोड होता है जिसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, यानी कि हैश कोड से वापस मैसेज नहीं बन सकता। दूसरा, हमें एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल मैसेज है, जिसको हम ओरिजिनल मैसेज या प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, जो सेंडर भेजना चाहता है उसको हम एनक्रिप्ट कर देते हैं ताकि रास्ते में उस मैसेज को कोई पढ़ ना पाए। और डिक्रिप्शन एनक्रिप्शन का अपोजिट होता है, जो एनक्रिप्टेड मैसेज है उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है ताकि वो वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम डिजिटल सिग्नेचर में प्राइवेट की और पब्लिक की के थ्रू किया जाता है। देखिए, एनक्रिप्शन जब हम करते हैं तो हमें एक की ज़रूरत पड़ती है। तो की दो टाइप की होती है, एक तो ऐसी की होती है जो कि एनक्रिप्शन का काम भी वही की करेगी और डिक्रिप्शन का काम भी वही की करेगी। दूसरा, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है प्राइवेट की और पब्लिक की से, यानी कि एनक्रिप्शन का काम अलग की से होगा और डिक्रिप्शन का काम अलग की से होगा। डिजिटल सिग्नेचर के केस में क्या होता है, जो एनक्रिप्शन का काम होता है वो प्राइवेट की के थ्रू किया जाता है और डिक्रिप्शन का काम पब्लिक की के थ्रू किया जाता है। प्राइवेट की एक सीक्रेट की होती है जो सेंडर के पास होती है और सेंडर उसको कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता। पब्लिक की पब्लिकली अवेलेबल होती है, जो कि रिसीवर के पास भी होती है और सेंडर की तो होती ही है, रिसीवर के पास भी होती है। रिसीवर उस पब्लिक की से एनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। एक नेटवर्क के अंदर या इंटरनेट के अंदर जो भी डिजिटल सिग्नेचर को यूज करेगा, हर एक के पास अपनी प्राइवेट की और पब्लिक की होती है। प्राइवेट की को तो सीक्रेटली रखता है और पब्लिक की को पब्लिकली पब्लिश कर देता है। एक्चुअली की क्या होती है,
कि एक न्यूमेरिकल कोड होता है जिसके थ्रू एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम किया जाता है, जो कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की एल्गोरिथम में काम आती है। तो हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हैश एल्गोरिथम, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, प्राइवेट की और पब्लिक की। नाउ हाउ डिजिटल सिग्नेचर वर्क। देखिए, सेंडर को डाटा भेजना है, डाटा बोलें या मैसेज बोलें तो एक ही बात है। तो सेंडर को कोई मैसेज या डाटा ट्रांसफर करना है रिसीवर के पास। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो ओरिजिनल डाटा यानी कि प्लेन टेक्स्ट जो कि सेंडर भेजना चाहता है, उस डाटा को एक हैश एल्गोरिथम के थ्रू हैश कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हैश कोड एक न्यूमेरिकल या अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है जिसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक हैश कोड को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इस हैश कोड को फिर सेंडर की प्राइवेट की के थ्रू एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। तो हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल हो जाते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर बन जाते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनते हैं, डाटा को यानी कि प्लेन टेक्स्ट को हैश एल्गोरिथम से पास करके हैश कोड बनाया जाता है, हैश कोड को एनक्रिप्ट किया जाता है प्राइवेट की से, तो डिजिटल सिग्नेचर बन जाते हैं। अब देखिए, ये एरो की लगा रखे हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि डिजिटल सिग्नेचर और प्लेन टेक्स्ट को फिर कंबाइन किया जाता है तो डिजिटल साइंड डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर कैसे बने, हैश कोड प्लस encryption of that hash code using the private key of the sender, that will become digital signature, and that digital signature is combined with the original text, then this will become the digital signed document. Okay, तो digital signed document क्या होते हैं, original text which sender want to transmit and the digital signature, दोनों को combined करके receiver के पास through a network भेज दिया जाता है। अब रिसीवर क्या करता है, क्योंकि रिसीवर को ऑथेंटिकेट करना है कि ये मैसेज किसने भेजा, और वेरीफाई करना है उसको कि जो मैसेज उस सेंडर ने भेजा है वही मेरे को मिला है एज इट इज। रिसीवर क्या करता है, उस डिजिटल साइंड डॉक्यूमेंट में से डिजिटल सिग्नेचर और ओरिजिनल टेक्स्ट दोनों को अलग अलग कर लेता है। ओरिजिनल टेक्स्ट को तो वो हैश एल्गोरिथम में से पास करता है, वही हैश एल्गोरिथम जो कि सेंडर ने यूज की थी, वही सेम एल्गोरिथम, तो उससे हैश कोड जनरेट हो जाता है। और डिजिटल सिग्नेचर को वो डीक्रिप्ट करता है, यस डीक्रिप्ट, क्योंकि पहले एनक्रिप्ट किया गया था तो अब उसका उल्टा डीक्रिप्ट किया जाता है। और कैसे डीक्रिप्ट करेगा, पब्लिक की ऑफ द सेंडर, सेंडर की पब्लिक की से उसको डीक्रिप्ट किया जाता है। अब रिसीवर के पास दो चीज़ें हैं, एक तो ओरिजिनल टेक्स्ट को उसने हैश एल्गोरिथम से पास किया तो हैश कोड बन गया, और दूसरा उसने डिजिटल सिग्नेचर को डीक्रिप्ट किया तो हैश कोड बन गया। अब ये दोनों हैश कोड सेम होने चाहिए, अगर ये दोनों हैश कोड सेम हैं तो रिसीवर को ये सियोरिटी हो जाएगी कि उसको वही मैसेज मिला है जो कि सेंडर ने भेजा है, ठीक है। तो यानी कि मैसेज के अंदर इंटीग्रिटी है। अब देखिए, ऑथेंटिसिटी कैसे आएगी, हैश कोड को सेंडर की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया गया है तो डिजिटल सिग्नेचर बन गए। अब उसी डिजिटल सिग्नेचर को सेंडर की पब्लिक की से डीक्रिप्ट किया गया, अगर वो डीक्रिप्ट सक्सेसफुल हो जाए तो और दोनों हैश कोड सेम है तो इसका मतलब जो मैसेज मिला है वो उसी पर्टिकुलर सेंडर ने भेजा है जिसकी प्राइवेट की से हैश कोड को एनक्रिप्ट किया गया था। क्योंकि डीक्रिप्ट सक्सेसफुल हो रहा है तो इसका मतलब एनक्रिप्ट भी सेंडर की प्राइवेट की से किया गया था, क्योंकि प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों रिलेटेड और दोनों ही सेंडर से बिलोंग करती हैं। बाय दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द सेंडर और यू कैन कॉल इट ऑथेंटिसिटी। तो हमें इंटीग्रिटी हो गई, ऑथेंटिसिटी हो गई। अब हमारे पास प्रूफ है, क्योंकि हमारे पास सेंडर के डिजिटल सिग्नेचर हैं तो हमारे पास प्रूफ भी है, तो सेंडर कभी भी मना नहीं कर सकता कि मैसेज उसने नहीं भेजा, यानी कि नॉन रिपुडिएशन, यानी कि जो रिसीवर है कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एक कोर्ट के अंदर एज ए प्रूफ प्रेजेंट कर सकता है कि मैसेज सेंडर ने ही भेजा था। तो डिजिटल सिग्नेचर इस तरीके से काम करता है, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, सेंडर साइड यानी कि साइनर मींस जिसने डिजिटल साइन किए हैं, तो सबसे पहले क्या करेगा, ओरिजिनल मैसेज को कन्वर्ट करेगा हैश कोड के अंदर यूजिंग द हैश एल्गोरिथम। तो दिस इज ओरिजिनल मैसेज एंड इट इज कन्वर्टेड टू द हैश कोड। फॉर एग्जांपल, हेलो इज द ओरिजिनल मैसेज एंड इट इज कन्वर्टेड टू A101B, इट इज हैश कोड।
इन द सेकेंड स्टेप व्हाट इट डू, हैश कोड को एनक्रिप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की ऑफ द सेंडर. इन द सेकेंड स्टेप हैश कोड को एनक्रिप्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की ऑफ द सेंडर. तो दिस इज हैश कोड A101B एंड इट इज एनक्रिप्टेड थ्रू द प्राइवेट की ऑफ द सेंडर इन टू द डिजिटल सिग्नेचर. देन ए न्यू कोड विल जनरेट. दिस इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर. इस डिजिटल सिग्नेचर को अटैच किया जाता है ओरिजिनल मैसेज से. ओरिजिनल मैसेज था हमारा फॉर एग्जांपल हेलो, और उसको कंबाइन किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर से. तो हमारे पास एक डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया. अब इस डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट को रिसीवर के पास भेज दिया जाता है. रिसीवर यानी कि वेरीफायर. रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर ओरिजिनल मैसेज और डिजिटल सिग्नेचर को अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा. सेकंड स्टेप में डिक्रिप्ट किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर को विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की ऑफ द सेंडर. तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमें ओरिजिनल हैश कोड मिल जाता है. तो यह हमारा डिजिटल सिग्नेचर था और हैश कोड हमें यह मिल गया. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ओरिजिनल मैसेज है उसको हैश एल्गोरिथम में से पास किया जाता है और हैश कोड जनरेट हो जाता है. तो अब हमारे पास दो हैश कोड हो गए, एक तो ये हैश कोड हो गया और एक ये हैश कोड हो गया. अब इन दोनों हैश कोड को फॉर एग्जांपल हैश कोड ए और हैश कोड बी दोनों को कंपेयर किया जाता है. अगर दोनों हैश कोड सेम हैं तो इसका मतलब हमें वही मैसेज मिला है जो सेंडर ने भेजा था. दूसरा, सेंडर ऑथेंटिक है. और तीसरा, हमारे पास प्रूफ है कि जो मैसेज भेजने वाला वो मना नहीं कर सकता. इट मीन्स नॉन रेपुडिएशन. ओके, दिस इज डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर ओरिजिनल डाटा को हैश एल्गोरिथम में से कन्वर्ट करके हैश कोड जनरेट किया जाता है और हैश कोड को एनक्रिप्ट करके विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की ऑफ द सेंडर जो कोड तैयार होता है दैट कोड इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर. उस कोड को ओरिजिनल डाटा के साथ कंबाइंड कर दिया जाता है और वो कंबाइंड डाटा सेंडर के पास भेज दिया जाता है. तो दिस इज डिजिटल सिग्नेचर. रिसीवर उस कंबाइंड डाटा को वेरीफाई करता है, दोनों को, डिजिटल सिग्नेचर को और ओरिजिनल डाटा को सेपरेट करता है. ओरिजिनल डाटा को हैश एल्गोरिथम से पास करता है तो हैश कोड जनरेट हो जाता है. डिजिटल सिग्नेचर को डिक्रिप्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की एंड दूसरा हैश कोड जनरेट हो जाता है. दोनों हैश कोड को कंपेयर किया जाता है. दोनों हैश कोड सेम होने चाहिए. अगर दोनों हैश कोड सेम है तो इसका मतलब वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मैसेज ऑथेंटिक है और मैसेज के अंदर इंटीग्रिटी है और नॉन रेपुडिएशन फीचर अवेलेबल है.